हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने आठवें चैप्टर के पांच क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। दो खंभे दिए, एक तो है 20 मीटर का और एक है 14 मीटर का। मान लेते हैं ये दूसरा खंभा यहां पर है, ये 14 मीटर का है। दो खंभे, अब उसने आके इसने बोला है एक तार से जुड़े हुए दोनों के शीर्ष, तो ये शीर्ष इसका हो गया, ये शीर्ष इसका हो गया, दोनों एक तार से जुड़े हुए, ये क्या है यहां से लेकर ये तार। अब आगे इसने बोला है यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, अब ये होगी हमारी क्षैतिज रेखा, ये जो तार है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये तार क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। तो तार की लंबाई ज्ञात करो। ये तार है हमारे पास, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। इनको नाम देते हैं ए बी सी डी और ए। ये पूरी कितनी है? 20 मीटर। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले माना दो खंभे ए बी तथा सी डी है जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 14 मीटर तथा 20 मीटर। दोनों के शीर्ष बी तथा डी एक तार बीडी से जुड़े हुए हैं। माना तार की लंबाई एक्स मीटर और यह तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये यहां पर हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें ली, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा कितने मीटर है? 20 मीटर। तो क्या दिया यहां पर? CD इक्वल 20 मीटर। CD इक्वल कितना है? 20 मीटर। तो CD को लिख सकते हैं CE प्लस AD, CE प्लस AD इक्वल 20 मीटर। अब यहां तक ये AD और ये यहां तक ये सेम ही होगा, ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर। क्योंकि AB इक्वल CE, AB इक्वल CE इक्वल 14 मीटर। तो CE की वैल्यू 14 है, तो 14 प्लस AD इक्वल में 20। तो यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 14, तो ये कितने मीटर आ जाएगी? 6 मीटर। इसका अर्थ है ये AD की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर है। अब इस AD की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने एक भुजा करण, करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, लंब की वैल्यू हमारे पास आ गई और थीटा की वैल्यू है। तो लंब और करंट ये किसमें आते हैं? साइन में। तो त्रिभुज बीईडी में साइन थीटा इक्वल लंब बटे करंट, इसके लिए लंब की वैल्यू लिखनी है ईडी अपॉन में करंट, करंट की वैल्यू क्या होगी? बीडी। वैल्यू रख देते हैं साइन 30 डिग्री, AD की वैल्यू हमने अभी निकाली है 6 बटे, BD की वैल्यू हमने क्या बनी है? x मीटर। sin 30 की वैल्यू 1 बटे 2 इक्वल में 6 बटे x, तो x into 1, x 6 into 2, तो x इक्वल कितना आ गया? 12 मीटर। अतः इस तार की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मीनार के आधार से कोई मीनार देखते हैं सबसे पहले और उसके आधार से स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दूरी पर स्थित, सबसे पहले एक मीनार, इस मीनार के आधार से स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दूरी पर स्थित, जो ए दूरी है वो ग्रेटर देन है बी से, यानी ए दूरी क्या है? ज्यादा है बी दूरी से। तो मीनार का आधार से, ये हो गया इसका आधार से स्मॉल ए दूरी पर, ये क्या मान ली यहां तक स्मॉल ए दूरी स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के अंजन कोण 30 डिग्री है। स्मॉल ए दूरी से तो इसका शिखर ये हो गया, इसका अंजन कोण है 30 डिग्री। स्मॉल बी दूरी कम है ये ए से, तो यहां तक मान लेते हैं, इससे अंजन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई एच है। क्या मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई एच, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखोगे, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच है,
मीनार के आधार ए से स्मॉल ए की दूरी पर स्थित बिंदु डी से मीनार के शिखर बी का अंतर कोण 30 डिग्री है तथा मीनार के आधार ए से सी स्मॉल बी दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर का अंतर कोण 60 डिग्री है। अब इसमें संबंध लगाते हैं, यहां पर लंब और आधार, लंब की वैल्यू पूछी है, आधार की वैल्यू हमें दे रखी है दोनों ही त्रिभुजों में। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लेके चलते हैं, इसमें सी ए बी में समकोण त्रिभुज सी ए बी में लंब और आधार, लंब और आधार किसमें आते हैं टैन में, तो टैन थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना हो गया ए बी अपॉन में आधार इसके लिए कितना हो गया सी ए, थीटा क्या है यहां पर इसके लिए कितनी है टैन 60 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू क्या मानी है स्मॉल एच अपॉन में सी ए की वैल्यू क्या है स्मॉल बी, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट टी इक्वल में एच अपॉन में बी इसके बटा में कितना मान लेते हैं तो एच इंटू वन स्मॉल एच इक्वल में बी रूट टी। समीकरण नंबर एक। अब पूरा त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज डी ए बी में टेन थीटा इक्वल इसके लिए लंब हो गया ए बी अपॉन में आधार, आधार इसके लिए डी ए, थीटा की वैल्यू त्रिभुज के लिए कितनी है 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू स्मॉल एच अपॉन में डी ए इसकी वैल्यू है स्मॉल ए, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल स्मॉल एच अपॉन में ई, तिरछा गुणा में लेंगे तो एच रूट 3 इक्वल में ई, तो एच इक्वल में ए अपॉन में रूट 3। समीकरण नंबर 2। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए, स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए, तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एच इंटू एच इक्वल में बी रूट 3 इंटू में ए बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसल, एच इंटू एच एच स्क्वायर इक्वल में स्मॉल ए बी तो एच इक्वल क्या आ जाएगा रूट ऑफ ए बी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है रूट ऑफ ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का अंतर कोण देखता है और मीनार के आधार का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है ये स्वयं करोगे। नौवां क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर छत की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात देखता है, सूर्य का अंतर कोण पूछा है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। फिर दसवां क्वेश्चन इसी प्रकार से है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नौवां दसवां तीन क्वेश्चन स्वयं करोगे, सिंपल से क्वेश्चन है। ग्यारह क्वेश्चन देखते हैं, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सबसे पहले क्या दिया है एक मीनार है ये क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, फिर आगे इसमें क्या बोला है यदि सूर्य का अंतर कोण 30 डिग्री है, यदि सूर्य का अंतर कोण 30 डिग्री है मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। अब देखो ये मीनार की ऊंचाई है तो छाया की लंबाई ये होगी और ये छाया की लंबाई कितनी है 45 मीटर, सूर्य का अंतर कोण उसने बोल का कितना है 30 डिग्री, सूर्य का अंतर कोण कितना है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर, क्या मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो क्या लिखोगे माना BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h मीटर, मीनार की छाया की लंबाई BA 45 मीटर है, बिंदु A से मीनार के शिखर का या सूर्य का अंतर कोण 30 डिग्री ये। अब इसमें संबंध लगाते हैं तो हमें लंब की वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू दे रखी है और थीटा की वैल्यू, तो लंब और आधार किसमें आते हैं टैन में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में टैन थीटा इक्वल
लंब बटे आधार, लंब इसके लिए क्या आ जाएगा BC अपॉन में आधार की वैल्यू AB, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी ली है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल में BC की वैल्यू स्मॉल h अपॉन में AB की वैल्यू 45, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 इक्वल में h अपॉन में 45, तिरछा गुणा करेंगे रूट 3h इक्वल में 45, अब यहां पर h के मल्टीप्लाई में है रूट 3, उधर किस में लेंगे डिवाइड में, तो h इक्वल 45 बटे रूट 3। अब यहां पर हर वाली संख्या को आपको होता है उसका त्रिमेयकरण करना होता है, रूट 3 दिया है तो क्या करेंगे रूट 3 से अंश और हर में गुणा करने हैं, अंश और हर में गुणा करने पड़ेगी, ब्रैकेट में लिखोगे इसके तो इनटू रूट 3 इनटू रूट 3, तो स्मॉल h इक्वल 45 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इनटू रूट 3, 3 हो गई 45, 15 दिए 45, तो h इक्वल 15 रूट 3 में, रूट 3 की वैल्यू रखते हैं, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉल h इक्वल 15 से 30, 3 अंशिक, 15 दिए 45 और 3 48, 4 अंशिक, फिर 15 7 105 और 4 109, फिर 10 अंशिक, 15 और 10 25, तो यहां पर ये हमारे पास कितनी आ गई 25.98 मीटर, तो h इक्वल कितना आ गया 25.98 मीटर, तो अतः मीनार की ऊंचाई यहां तक भी लिख सकते हो 15.3 मीटर है, आगे सॉल्व भी कर सकते हो रूट 3 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्या दिया है एक वृक्ष दिया है सबसे पहले इसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो देखो इसमें सबसे पहले दिया एक वृक्ष है, ये मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ये एक वृक्ष है, अब क्या बोल रहा है इसमें आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल का 60 डिग्री का कोण बनाता है, मान लेते हैं ये वृक्ष यहां से टूट, फिर आगे इसमें क्या बोल रहा है वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, ये वृक्ष की जड़ होगी, वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की जड़ से ये 10 मीटर दूरी होगी, यहां से ये टूटकर वृक्ष की जड़ से कितनी दूरी पर मिलता है 10 मीटर की, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई या तो ये उसने बोला है कितने डिग्री का कोण बनाता है 60। अब देखो यहां पर टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई मान लेते हैं पूरे की कैपिटल H, क्या मान लेते हैं पूरी ऊंचाई वृक्ष की कैपिटल H, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है यहां तक ये मान लेते हैं H1 रह गई, इसको मान लेते हैं H2, कितना टूट गया ऊपर से यहां ये H2 ऊंचाई हो, अब जितना ये टूटेगा उतना ही यहां इस साइड आएगा, भी जितना टूट के इस तरीके से ये झुका है यहां पर इस प्रकार से उतना ही यहां पर होगा, ये भी कितनी होगी H, देखो ये कैपिटल H मीटर मानिए ये भी मीटर, देखो क्या लिखोगे सबसे पहले माना BD एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कैपिटल H मीटर, माना BD एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कैपिटल H, वृक्ष बिंदु C से टूटकर वृक्ष की जड़ B से बिंदु A की दूरी, वृक्ष की जड़ से A की दूरी 10 मीटर पर मिलता है, तथा वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, तथा वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, माना टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी मान ली हमने कैपिटल H मीटर, माना BC इक्वल स्मॉल h h1 मीटर, माना BC इक्वल स्मॉल h1 मीटर, तथा CD इक्वल स्मॉल h2 मीटर, अब क्या लिखोगे C
CD इक्वल होगी AC के इक्वल में H2, क्योंकि जितना टूटा है उतना ही इस साइड है। अब देखो यहां पर, अब कोण CAB इक्वल कितना है हमारा 60 डिग्री। अब हमें उसने चाहिए पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, H1 की वैल्यू भी चाहिए और हमें H2 की वैल्यू चाहिए। H1 की निकालनी है तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया था, लंब और पदार्थ का संबंध लगा दो। सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखो यहां पर tan थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना है BC अपॉन में आधार AB, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री tan 60 डिग्री इक्वल में BC की वैल्यू स्मॉल h1 अपॉन में AB 10 tan 60 की वैल्यू रूट 3 इक्वल में h1 अपॉन में 10। इसके बटा कितना मान लेते हैं तो h1 into 1 h1 इक्वल कितना आ गया 10 रूट 3 समीकरण नंबर h1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसने चाहिए आप लंब और करंट का संबंध लगा दो या इसने आधार और करंट, क्योंकि सभी की वैल्यू है हमारे पास, हमें किसकी वैल्यू चाहिए करंट की, क्योंकि पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितनी है h1 plus h2। तो देखो यहां पर कौन है समकोण त्रिभुज दोबारा से ABC में, अब कौन सा संबंध लगाए थे यहां पर लंब और करंट का संबंध लगाने, क्योंकि लंब की वैल्यू आ गई हमारे पास h1 की और करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो लंब बटे करंट इसमें आता है साइन, तो साइन थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना हो गया BC अपॉन में करंट, करंट इसके लिए कितना है AC, थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री इक्वल में BC की वैल्यू यहां पर कितनी है स्मॉल h1 अपॉन में AC की वैल्यू स्मॉल h2। समीकरण 1 से h1 का मान रखते हैं, समीकरण 1 से h1 का मान रखते हैं sin 60 की वैल्यू रूट 3 बटा में 2 इक्वल में h1 की वैल्यू 10 रूट 3 अपॉन में h2, तिरछा गुणा करेंगे रूट 3 h2 इक्वल में 10 रूट 3 इनटू में 2। अब यहां पर h2 मल्टीप्लाई में h2 के मल्टीप्लाई में रूट 3 इधर भाग में चलाएगा 10 रूट 3 इनटू 2 बटा में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल तो h2 इक्वल 10 इनटू 2 20 समीकरण नंबर 2। अब लिखे क्या था, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई टूटने से पहले हमारा वृक्ष पूरा क्या था ये BD इक्वल में टूटने के बाद क्या बन गया BC प्लस CD, BC प्लस CD BD हमने क्या माना है पूरा ये वृक्ष कैपिटल H, BC क्या है स्मॉल h1 प्लस h2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से h1 की वैल्यू कितनी है 10 रूट 3 प्लस में h2 की वैल्यू समीकरण 2 में कितनी है 20, यहां से हमारे पास कितना कॉमन आ जाएगा 10 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा रूट 3 प्लस 10 दूए 20, रूट 3 की वैल्यू रख दो तो कैपिटल H इक्वल 10 इंटू 1.732 प्लस में 2, तो H इक्वल 10 इंटू 3.732, 10 है यहां पर एक संख्या आपके और बढ़ा के पॉइंट लगा दो तो H इक्वल 37.32 मीटर। अतः टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई 37.32 मीटर। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।